फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आऊं ग्रीन एरो। इसे कोई ग्रीन एरो भी बोलता है, ग्रीन एरो भी बोलता है। ये एक वायरलेस माइक है और ये 2-in-1 चैनल में है। और इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक आता है सिंगल वेंट के साथ और एक आता है टू वेंट के साथ। तो आज मेरे पास जो माइक है वो है 2-in-1, यानी कि दो वेंट इसमें मिल जाते हैं अगर इंटरव्यू वगैरह लेना चाहते हैं तो। उसके लिए बेस्ट माइक है क्योंकि हम एक साथ दो लोगों को अपना माइक लगाकर आप वहां पे उसका अच्छे से इंटरव्यू ले सकते हैं। तो इसी की हम आज अनबॉक्सिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसको मैं फुल्ली टेस्टिंग कर चुका हूं, मार्केट में भी, पंखे में भी, हर जगह मैं टेस्टिंग कर लिया हूं। तो सारी चीजें हम यहां पे जो है बात करेंगे, और इसकी कैसी नॉइस कैंसिलेशन, कैसा रिड्यूस ये करता है बाहर की आवाज को, वो भी हम चेक करेंगे। तो चैनल पे बने रहिएगा। अगर चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो लाइक कर दिया करो, बिना लाइक करे मत जाया करो। तो इसको हम करते हैं अनबॉक्स, और अनबॉक्स जैसे हम करते हैं तो फर्स्ट में ही हमें एक वारंटी कार्ड मिल जाता है। इसे देख के लगता है कि हाँ, कि प्रोडक्ट के अंदर 1 ईयर की वारंटी हमें देखने के लिए मिल जाती है। एक बॉक्स आता है, बॉक्स में एक केस आता है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। अभी तो मैंने इसको अनबॉक्स नहीं करा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये केस के साथ आता है। इसको कैरी करना बहुत ही आसान है, जैसे आप एयरबड्स वगैरह को अपने जो है कैरी करते हैं, इस तरह से आप इसको कैरी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं हमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि ये जो है दो USB केबल मिल जाती है टाइप सी के साथ। उसके बाद अगर इनकी मैं बात करूँ तो ये टाइप सी से यहाँ पे आपको ऑडियो जैक मिल जाता है, जिससे आप अपने माइक्रोफोन की रियल आवाज़ को सुन सकते हैं। और एक ये जो कनेक्टर है ये एप्पल आईफोन के लिए है, क्योंकि उसका जो जैक है थोड़ा सा इस तरह का होता है, तो इसको एप्पल में भी आप बहुत आसान तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट की बात करें तो ये मैंने 2-in-1 में मंगाया। आप इसको सिंगल चैनल में मंगा सकते हैं, और इससे छोटा बॉक्स होता है। अगर मैं प्लास्टिक क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक ठाक क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो हमें यहाँ पे दो माइक मिल जाते हैं, और एक इसका रिसीवर मिल जाता है। दोनों माइक एक ही रिसीवर से कनेक्ट होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम एक एक करके निकालेंगे तो इस तरह से आपको ये दो माइक मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दो माइक मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको ग्रीन एरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। और ये जो है इसमें पन्नी सी लगा रखी है ताकि अभी चार्जिंग ना हो, क्योंकि ये चार्जिंग के जो है आपको इंडिकेटर दे रखे हैं, आपको ये चार्जिंग मिल जाएंगी। इसमें चार्जिंग है, और यहाँ पे नीचे भी इसके अंदर जो है आपको चार्जिंग केस मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश आपको ज़रूर से करूँगा, जिसमें आपको एक छोटा सा इंडिकेटर भी मिल जाता है। ये छोटा सा इंडिकेटर है, और एक ये ऑन ऑफ करने का बटन है यहाँ पे, और इसको कॉलर में फंसा के भी आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है वायरलेस। तो बस यही था। और बाकी अगर रिसीवर की बात करें तो रिसीवर में हमें कुछ भी नहीं मिलता, प्लग एंड प्ले है। इसको कोई बैटरी वैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। और ये आपको एक साइड में यहाँ पे जो है टाइप सी का जो है कनेक्टर भी दे रखा है, ताकि आप अपने माइक को यूज़ करते वक्त अपने जो है फ़ोन को भी चार्ज कर सको। और इसकी बात कहें तो इसमें भी आपको टाइप सी मिल जाती है, यहाँ पर आपको ये टाइप सी मिल जाती है, यानी कि इसके अंदर भी आपको बैटरी देखने के लिए मिलेगी, जिससे चार्जिंग होगा और आप इसको डायरेक्टली USB से भी चार्ज कर सकते हैं। यही था। और बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसके केस में जो है टाइप सी कनेक्टर यहाँ पे भी मिलता है, और एक इंडिकेटर मिलता है चार्जिंग का, और ये इसको डायरेक्टली यहाँ पे भी चार्ज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको केस को भी चार्ज करके और इसको ऑटो मोड में यहाँ पे भी आप चार्जिंग कर सकते हो। तो मुझे ये तो अच्छा लगा कि एक बार इनको भी चार्ज कर लें, एक बार केस को भी चार्ज कर लें। अगर आराम से आप कहीं जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, या कहीं भी किसी का इंटरव्यू लेने जा रहे हो, तो आपको चार्जिंग करने की टेंशन नहीं है, और इसको कैरी करने में बहुत आसान है। आपको ये अलग अलग जो है ना ऐसे ले कर नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ भाई बैग में डालो या पॉकेट में डालो, इनको इसी में डालो, सेपरेट एकदम बढ़िया रहता है, एकदम फर्स्ट क्लास और यूनिक लगेगा। और हाथ में लेके चलो, बैग में लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी फेंको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसको मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, इसका एक्सपीरियंस दिखाऊंगा, इसकी आवाज़ में आपको मार्केट में भी जाके दिखाऊंगा, मतलब हर तरह से इसकी मैं टेस्टिंग करूंगा, और इसका वॉइस नॉइस कैंसिलेशन का जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो मैं चेक करूंगा। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम चेक करेंगे। तो वीडियो कम्प्लीट देखना, और अनबॉक्सिंग पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये माइक अच्छा लगे, 2-in-1 वाला, 1-in वाला, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। अभी जो है अब इसकी टेस्टिंग कर लेंगे हम, कैसी आवाज़ इसकी आती है, सारी चीज़ें टेस्टिंग करेंगे। तो अभी जो माइक में आवाज़ चली वो अनबन की चल रही है, और आगे चलेगी ग्रीन एरो के वायरलेस माइक की। तो अभी जो फ्रेंड्स मेरी आवाज सुन रहे हैं वो इस वायरलेस माइक की सुन रहे हैं, तो आई होप आपको कुछ डिफरेंट तो लगा होगा वो एम्बन से इस माइक की आवाज में। अब ये डिफॉल्ट मोड में है, अभी इसमें कोई भी
नॉइज जो मोड मैंने एक्टिवेट नहीं किया है ये बिल्कुल डिफॉल्ट मोड में मतलब बेसिक मोड में है, और इसको मैं एक बार जो है प्रेस करूंगा तो यहाँ पे एक बार लाइट जल जाती है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे मैं इसका पहला मोड एक्टिवेट करता हूँ, और अभी मेरे जो है रूम का फैन नहीं चल रहा है, अभी बिना फैन के मैं आवाज रिकॉर्ड करूंगा। मैं इसका पहला मोड यहाँ पे मैं एक्टिवेट करता हूँ, तो ये एक बार व्हीलिंग करेगा और ये इसका पहला मोड यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो आप इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पे कैसी आवाज ये जो है वायरलेस माइक निकाल रहा है। अब मैं इसका दूसरा मोड एक्टिवेट करता हूं, तो दूसरा मोड एक्टिवेट जैसे मैं करूं तो ये दो बार ब्लिंक करेगा, मैं एक बार प्रेस करूंगा तो ये दो बार ब्लिंक करा, और दो बार ब्लिंक करने के बाद ये दूसरे मोड में चला जाता है और इसकी वॉइस में थोड़ा सा और शार्पनेस आ जाती है, काफी मतलब स्मूथ सी आवाज आ जाती है। अब मैं इसका जो है हाई लेवल थर्ड लेवल इसका मैं एक्टिवेट करता हूं, तो फिर से मैं इसका एक्टिवेट करता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पे तो मैंने इसको एक्टिवेट किया थर्ड मोड, तो इसका थर्ड मोड में तीन बार लाइट जली है, तो तीसरे बार में एकदम हाई लेवल की यहाँ पे नॉइज रिड्यूस करता है। अभी मैं थर्ड लेवल पे ही मैं फैन चलाता हूँ और फैन चला के देखते कि किस तरह की आवाज आती है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अभी मेरे जो है फैन चल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फुल स्पीड से मैंने यहाँ पे फैन चला रखा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मैंने जो इसका लेवल है जो नॉइज रिड्यूस लेवल है वो बिल्कुल हाई लेवल का जो है नॉइज रिड्यूस है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पे आवाज मेरे को अभी तो मुझे नहीं पता, पर आप लोगों को जरूर पता होगा कि फैन चलने के बाद कितनी नॉइज आती है। अगर मैं अभी चुप हो जाऊं तो कितनी जो फैन की जो नॉइज है वो कितनी यहाँ पे ये कैप्चरिंग करता है। तो अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे फैन की काफी तेज आवाज आ रही है, आई थिंक मेरे हिसाब से, मुझे तो बाद में पता लगेगा, ये चीजें तो आप ही शेयर कर सकते हो कमेंट में करके। तो यहाँ पे अभी जो है मेरा फर्स्ट लेवल में इसको करता हूँ, मतलब बिल्कुल नॉर्मल मोड में मैं लेके आता हूँ, नॉर्मल मोड में मैं लेके आता हूँ, अब फिर देखते हैं कि इसकी क्या क्वालिटी रहती है नॉइज रिड्यूस करने की। तो ये जो है बिल्कुल बेसिक मोड में आ गया है, और यहाँ पे कोई भी मोड एक्टिवेट नहीं है, और फैन भी मेरा चल रहा है, तो उस हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी अच्छी यहाँ पे नॉइज रिड्यूस कर रहा है। अब इसको मैं पहले मोड में लेके आता हूँ, तो मैं इसको पहले मोड में करने के लिए फिर से मुझे इसको प्रेस करना होगा, तो मैंने इसको प्रेस किया तो एक बार लाइट जली है, और एक बार जलने के बाद यहाँ पे पहले मोड में आ गया, तो थोड़ी सी मुझे लगता कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, पर मैं दूसरा मोड यहाँ पे एक्टिवेट करके देखता हूँ तो शायद थोड़ा बहुत यहाँ पे फर्क पड़े नॉइज में। तो यहाँ पे अभी जो है मेरा सेकेंड लेवल चल रहा है नॉइज रिड्यूस का, तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा फैन की आवाज को कम किया होगा और मेरी आवाज को ज्यादा जो है क्लियरली जो है प्रोवाइड करा रहा होगा आप लोगों को। अब मैं इसका हाई लेवल का नॉइज तो मैंने आपको दिखाया था, फिर भी मैं एक बार एक्टिवेट करके दिखाता हूं, तो मैं इसका थर्ड लेवल का जो है नॉइज रिड्यूस में एक्टिवेट करके देता हूं, तो थर्ड लेवल का नॉइज मेरा यहां पे एक्टिवेट हो गया है, और यहां पे आप देख सकते हैं किस तरह की नॉइज यहां पे रिड्यूस कर ली। जो मेरा फैन है वो फुल्ली स्पीड से चल रहा है, फिर भी मेरी आवाज काफी अच्छी यहां पे जो निकल के आ रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत जबरदस्त माइक लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके बताना, नहीं खरीदा तो यार खरीदो, और ये बजट में है, ज्यादा नहीं है। अगर सिंगल चैनल का खरीदोगे तो 2000 के आसपास पड़ेगा, डबल चैनल में खरीदोगे तो 3000 के आसपास पड़ेगा, बाकी ऑफर ऊपर आते हैं तो वहां पे और भी सस्ता पड़ जाता है। अगर आप चाहते कि हमें वायरलेस माइक चाहिए और हम 20-25 हजार अफोर्ड नहीं कर सकते, तो 2000-3000 में बढ़िया है, और ब्लॉगर के लिए तो बहुत ही अच्छा है भाई, क्योंकि जो वायर वाला माइक हो तो कहां तक लेके जाओगे, इनको चार्ज करो कोलर में लगाओ टेंशन फ्री। तो यही था, आई होप आपको अनबॉक्सिंग काफी अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना कि आपके लिए हम अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर होता है यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।